जो पिछले दिनों च लिकर माफिया शराब की बहुत वड्डे पद्धर ते पंजाब विच तस्करी हुई और नंबर दो का व्यापार पैरल स्टेट विच चलिया, जिस करके पंजाब नूं आ जिहड़ा करंट माली साल है इहदे च ऑलमोस्ट 2000 करोड़ रुपए का घाटा पिया वा। और आपां सारे जाणदे कि कोई भी गैर कानूनी काम पंजाब दे विच सरकार की शह तो बाद तो बगैर ताकतवर पोलिटिकल लोगों की हमायत तो बगैर अफसरशाही की सपोर्ट तो बगैर पॉसिबल ही नहीं गा। और साडा यह मनना वा कि जो कुछ पिछे पंजाब दे विच होया, जिहड़े कांग्रेस के MLAs ने आप CBI की जांच मंगी शराब के मुद्दे से लेके, उन्होंने जिहड़ा पंजाब का चीफ सैकटरी है उहदे ते भारी इल्जाम लाए, कैप्टन साहब ने कोई उन्हां दा जवाब कांग्रेस के MLAs का नहीं दिता। अज मैं जिहड़े कांग्रेस का एक टेंटेड मिनिस्टर जिहड़ा जिहदे ते पहला ऑलरेडी माइनिंग माफिया के दोष लग चुके ने, जिसनों गैर कानूनी माइनिंग विच दोषी पा के कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी कैबिनेट चो कढ़ना पिया, उस दीआं दो इंपोर्टेंट तस्वीरां यानी कि कनैक्शनस लिकर माफिया के नाल ते ड्रग माफिया के नाल तुहाडे दरम्यान रखना चाहुंदा वां। आ राणा गुरजीत सिंह दी जिहड़ी फोटो तुसीं देखोगे गौर नाल, इहदे विच जिहड़ा बाहोपुर खन्ने की गैर कानूनी डिस्टिलरी जिहड़ा व्यक्ति चलाउंदा सीगा कुलविंदर सिंह कद्दों, यह राणा गुरजीत सिंह उस दे नाल उहदी शमूलियत तुलकात लिंक। वैसे भी तुसीं सारयां ने देखिया कि उत्थे राजपुरा और पटियाला ते खन्ना दे विच जिहड़ियां गैर कानूनी शराब दीआं फैक्ट्रियां पिछले दिनां विच मूहरे आईआं, उहदे विच कांग्रेस दे पोलिटिकल लोकां दी शह तो बगैर या उहनां दी सरप्रस्ती दे नाल चल रहीआं सी। इह वी जिहड़ी तस्वीर आ इह उन्हां दे आपसी संबंधां नूं ते उहदे लिंक्स नूं साबित करदी है कि राणा गुरजीत सिंह ना सिर्फ माइनिंग माफिया दा किंग पिन सी बल्कि शराब दे गैर कानूनी व्यापार दे विच इहदा बहुत वड्डा रोल है। और इत्थे मैं नाल ऐड कर दिया कि इहदी जिहड़ी डिस्टिलरी आ राणा गुरजीत दी लोके तरन तारण विखे, करफ्यू दे दौरान लॉकडाउन दे दौरान इह सारी शराब दी मिल चलाउंदा रहा और आड़ लई के जी सैनिटाइज़र बनाने मैं, और सैनिटाइज़र दियाँ फर्जी स्प्रेयां कपूरथला शहर जलंधर शहर विच करके ए उहदी आड़ विच असल विच गैर कानूनी शराब का धंधा चलिया। और उत्थों लोके डिस्टिलरी चों ट्रकां दे ट्रक जिहड़े सीगे एक्साइज ड्यूटी की चोरी करके नंबर दो की शराब बिकदी सी, जिहड़ा अरविंदर पलवान का कतल होया ना लखन के पड्डे, ये बेसिकली लिकर माफिया ना कनैक्टेड कतल है। इसे ही राणे गुरजीत की गैर कानूनी शराब, यही जिहड़ा ASI परमजीत सिंह जिहड़ा पुलिस वाला कतल आ, इसे राणे गुरजीत की शराब बेच रहा सीगा 10 बजे, वरना रात नूं पुलिस वाले का पर्दियां वाली गड्डी विच शक्की हालातों में पिंडा च घूमण का कोई तुक नहीं बनती सी। और जो उन्होंने कन्फ्रंट किया पिंड वाले ने, उन्हें गोलियां मार के उत्थे मारता, बेसिकली वह शराब नाल कनेक्ट। और जिहड़ा राणा गुरजीत की डिस्टिलरी आ, ये मेरे हिसाब के नाल कई करोड़ों रुपए की सैकड़े करोड़ों की टैक्स एक्साइज ड्यूटी की इवेजन की है। और करफ्यू के जो तुम सैनिटाइजर की आड़ में शराब की मिल चलाने हो, सैनिटाइजर चलाने वास्ते थोड़ा जहा इक्विपमेंट थोड़ी जी मशीनरी थोड़ा जहा जगह चाहिए है, पर इन्होंने पूरी मिल चलाई। और WHO दियां लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन आई ने कि तुसी खुले बाजारां विच ते स्ट्रीट्स विच सैनिटाइजर नूं स्प्रे करके सगो लोगों का नुकसान कर रहे हो, जिहड़े साह दे मरीज ने जिहड़े होर बीमारियों के शिकार ने उन्हां नूं कई तरह की स्किन एलर्जीज हो सकदियां, लेकिन राणे ने उस दी आड़ विच अपना पूरा धंधा जिहड़ा चलाया वा। और दूसरी तस्वीर जिहड़ी आ उह बूटा पिंड है, तुसी सारयां ने मेरे ख्याल जलंधर मीडिया ने कई बार बूटा पिंड जिहड़ा वैसे आम मेहनतकश लोगों का पिंड है, गरीबों का पिंड गिणिया गया सीगा, पर उत्थे कई प्रिंट मीडिया ने इलैक्ट्रॉनिक मीडिया ने स्टोरीज़ कीतियां कि बूटा दे विच 2-2, 3-3 करोड़ रुपए के आलीशान बंगले खड़े हुए। आ जिहड़ा राणे गुरजीत दे नाल इनसर्कल्ड फोटो आ, इहदा नाम है ओंकार कारी।
यह बूटा पिंड का मैंबर पंचायत रह चुका वा, कांग्रेस का कट्टड़ राणे गुरजीत का सपोर्टर है। इस फोटो में होर भी बूटा पिंड के लोग खड़े ने। यह ओंकारकारी थोड़े दिन पहला कपूरथला पुलिस ने गिरफ़्तार किया और गिरफ़्तार किया गया जिहड़ा टिप सीगा ना, टिप ऑफ हुई आ, वो एक नेकदीप कुमार जलंधर तो, नेकदीप कुमार एलियस सनी, उसने पिछले दिनों पंजाब 400 किलो चिट्टे का व्यापार पंजाब दे विच कीता। नेकदीप का असल किंग पिन जिहड़ा है वह दुबई में बैठा सी, पर आ जिहड़ा ओंकारकारी कपूरथला पुलिस ने अरैसट किया, इस बंदे ने नेकदीप दे कोलों, नेकदीप कुमार दे कोलों 4 किलो हीरोइन 2 खेपां विच खरीदी ते कपूरथले विच ही वंडी। ते मैं तुहानूं पुछना चाहुंदा कि की इह इस तरह का सधारण मैंबर पंचायत किसी की छत्र छाया तो बगैर कि शरा इस वड्डे पद्धर ते चिट्टा बेच सकता वा? और मैं इत्थे इह कहना चाहुंदा कि अगर कोई इंपार्शल जांच होवेगी ते राणा गुरजीत दे तल्लुकात इस चिट्टियां दे व्यापारी नेकदीप कुमार तो लैके दुबई तक जाणगे सिद्धे, पर जांच कौन करावेगा? मैं जदों विरोधी धिर दा लीडर सी, जदों असीं सरकार दा विरोध किया, मेरे ते NDPS ड्रग्स दा मुकदमा दर्ज किया सिर्फ फोटोआं दिखा के ते कॉल रिकॉर्ड्स दिखा के कि जी खैरे दे लखन के पट्टे दे गुरदेव सिंह साबका चेयरमैन दे नाल तल्लुकात है और इन्हां दे कॉल एक्सचेंज कॉल रिकॉर्ड्स एक्सचेंज हुई हैं। एक पुलिस वाले को बयान दवाता तो मेरे ते एक बहुत डेंजरस NDPS का मुकदमा दर्ज किया कि कैप्टन साहब इस अपने जिहड़ा उन्हां दा चेला चापटा है कांग्रेस का और इस्टैबलिश्ड माइनिंग माफिया वा, इस्टैबलिश्ड लिकर माफिया, इस्टैबलिश्ड ड्रग माफिया दे नाल कनैक्शन और शराब, तुसीं सारे जानते हो, मीडिया जानता कि इस राणे गुरजीत की मिल की शराब सारिया जिमरी चोड़ों फड़ी गई है। शाहकोट जिहदा ट्रक फड़िया गया, मोगे बाय इलेक्शन में जिहदा ट्रक फड़िया गया, गुरदासपुर की लोग सभा चोण में जिहदा ट्रक फड़िया गया, तलवंडी चौधरियां विच खरे किन्ने हज़ार बोतल इहदी फड़ी गई। ये जिहड़ा व्यक्ति है ये पंजाब दे नौजवानों का भविख, जिहदे करके साडे नौजवान वड्डी तादाद विच देश छड के विदेशों में जा रहे हैं, इन्हां दी बदौलत है। आ जिहड़े तस्करां दी फोटोआं ते तस्करां दी शह देण वाले जिहड़े पोलिटिकल ताकतवर लोग ने, यह सारा इन्हां दी बदौलत साडा पंजाब तबाह हो रहा। इसलिए मेरी कैप्टन अमरिंदर सिंह कोलों मंग आ कि वह इस तरह के पावरफुल पॉलिटिशियंस, पावरफुल ब्यूरोक्रैट्स, पावरफुल पुलिस ऑफिसर्स जिन्हां लोगों के ड्रग माफिया नाल ते लिकर माफिया दे नाल तुलकात ने, जिहड़ियां गल्लां जगजार हुई ने उन्हां दी जांच होनी चाहिए और इन्हां दे खिलाफ बनदी क्रिमिनल कार्रवाई। और जिहड़े लॉसेस ने, कैप्टन साहब कहिंदे ने जी कि मैं हुण बड़े सख्त आदेश देते ने कि खबरदार जे किसी ने शराब बेची, तो कैप्टन साहब जिहड़ी 3 साल शराब दा लुट कसुट हुई, सैकड़े करोड़ रुपए पंजाब दे सरकारी खजाने नूं चूना लग्या, उहदी अगराई कौन करेगा, उहदी रिकवरी कौन करेगा? इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह अगे वाकई तुसीं दमदार लीडर हो पंजाब दे, क्योंकि एक्साइज एंड टैक्सेशन महकमा तुहाडे कोल आ, तुहानू इस तरह के ड्रग ते लिकर माफिया के खिलाफ ते तुहाडा अपने जिहड़े आ कांग्रेसी नेता ने माफिया टाइप इन्हां दे खिलाफ मुकदमे दर्ज करने चाहिए आ और रिकवरी करनी चाहिए आ। उस हुक्म का कोई फायदा नहीं गा कि जी मैं कहता कि अज तो बाद असी गैर कानूनी शराब नहीं विकण देंगे, तो जिन्होंने पहला वेच ली है उन्हां दे खिलाफ को पैसा जिहड़ा साडा लुटिया गया पंजाब दा कौन रिकवर करेगा? इसलिए रिकवरी इज़ अ मस्ट, क्रिमिनल चार्जेस फाइल करके इन्हां लोकां दे खिलाफ और इन्हां कोलों सारा पंजाब दा पैसा रिकवर किया जाए तां ही गल बने। और कैप्टन साहब दे अपने अंकड़े ने कि पिछले 3 दिनां च पंजाब च 3.5 लाख लीटर गैर कानूनी शराब बरामद हुई है ते 50 परचे दर्ज किए ने। यारो जे 3 दिनों 3.5 लाख लीटर शराब बरामद हो सकती है, अंदाजा ला लो कि 3 सालों में किन्नी गैर कानूनी शराब पंजाब दे विच बिकी ते बकाई होगी इन्हां ताकतवर लोगों ने।
सो इन्हां दे खिलाफ प्रॉपर क्रिमिनल चार्जेस और रिकवरी ऑफ दिस लूटेड अमाउंट ऑफ पंजाब मस्ट बी डन। ये अज फरियाद लेके तुहाडे दरमियान असी आए हाँ और असी अज 5 बजे शाम नू अरविंदर पलवान दे नू मंग नू दोहराउण वास्ते शांतमई कैंडल मार्च का जिहड़ा प्रोग्राम है वह बरकरार है। असी देश भगत यादगार हॉल के बाहर थोड़ी नफरी च बाकी सारे पंजाब के लोगों को बेनती करती कि अपने अपने शहर कस्बों डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तुम शांतमई कैंडल मार्च कढ के ते एक एक दो दो मिनट शॉर्ट वीडियोज़ अपलोड करो ताकि मैं भी हाँ अरविंदर पलवान की मुहिम को अगे ले जाया जा सके। कल्ले पुलिस वाले हकदार नहीं गे मुआवजे दे ते सरकारी नौकरियां दे जिहड़े बेगुनाह लोगों पुलिस ने मारिया उन्होंने खिलाफ़ भी कार्रवाई बनती। तो दुख इस गल का वा कि अज सारिया विरोधी धिर चुप बैठिया ने अरविंदर पलवान के कत्ल पर कोई बोलन योगा नहीं। मतलब पुलिस तो डरते हैं सारे। कोई अकाली दल सुखबीर बादल जिहड़े झाड़ू के लीडर ने ना सुमेध सिंह सैनी के खिलाफ बोले उन्हें चक के बंदे झूठे पुलिस मुकाबलों में मारे ने ना वो खिलाफ़ बोले ना अरविंदर पलवान के होए कतल के खिलाफ पुलिस के खिलाफ़ बोले आ। मेरी विरोधी धिरां अपील आ कि ये कोई साड़ी मुहिम नहीं गी ये कबड्डी नू पसंद करन वाले लोगों की मुहिम आ। इसलिए सब नू अपने अपने थावां तो अरविंदर मैं भी हाँ अरविंदर पलवान की मुहिम की मदद भी करनी चाहिए आ। तो अंत में तुहाडा शुक्रिया और नाल मैं रीइटरेट करदा कि इस राणे गुरजीत के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई नहीं करनगे। तो जिदा असी माइनिंग का सबूत कट्ठे कर करके अगे वधे सी तो इदा ही अगे वधदे रहांगे। तो इस जिहड़ा माफिया टाइप पोलिटिकल लोग ने इन्हां दे खिलाफ़ साडा झंडा तो साडी लड़ाई बरकरार रहे। धन्यवाद। संता नहीं लेना कुछ तो ठीक हो गया शॉर्ट बाइट तस्करी नू लेके बहुत वड्डे पद्धर दे उत्ते वाद विवाद उठ्या। अज मैं ए साडा ए कहना वा कि ए शराब की तस्करी ताकतवर पोलिटिकल लोगों की सरपरस्ती तो बगैर नहीं हो सकती। दो फोटो रिलीज़ कर रहा मैं राणा गुरजीत सिंह जिहड़ा पहला माइनिंग माफिया इस्टैबलिश हो चुका और कैबिनेट पिछों उसनू इस इन्हां इल्जामां ते कढ़िया गया। अज उहदे खिलाफ दो शराब माफिया ते ड्रग माफिया दे तस्करां दी फोटोआं जारी कर रहा। आ मेरे सज्जे हत्थ विच जिहड़ा बूटा पिंड कपूरथला हल्के दे विच आ उत्थों दा एक साबका मैंबर पंचायत ते कांग्रेसी ओंकार कारी आ राणे गुरजीत दी उस दे नाल फोटो जिहदे कोलों जिसने 4 किलो चिट्टा वेचिया कपूरथले हल्के दे विच और उहदा जिहड़ा बॉस सीगा किंग पिन उह दुबई विच बैठा। जलंधर तों नेकदीप कुमार जिहड़ा फड़िया गया कपूरथला पुलिस वल्लों उसने कन्फेस किया कि मैं पिछले 2 सालों 400 किलो चिट्टा वेचिया पंजाब दे विच। कैप्टन साहब तुहाडी सौं कित्थे आ? और दूसरा साडे कोल सबूत है जिहड़ा कुलविंदर कद्दों जिहड़ा बाहोपुर खन्ने जिहड़े गैर कानूनी शराब की डिस्टिलरी का खुलासा होया राणा गुरजीत उहदा भी यार आ। ये सारिआं दा यार आ जिहड़े जिन्ना माफिया पंजाब दे विच आ इहने सब नूं शह दित्ती आ सारिआं दे नाल इहदे तुलकात आ। और जिस ढंग दे नाल राणा गुरजीत ने अपनी लौके पिंड की डिस्टिलरी चो तरन तारण विखे सैकड़े करोड़ों की शराब बेची आ इन्हां दे खिलाफ़ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी CBI की जांच होवे। इहदे खिलाफ़ जो एक्साइज की इवेजन की है क्रिमिनल चार्जस फाइल होण और राणा गुरजीत दे खिलाफ़ दे कोलों टोटल रिकवरी जो लॉसिज होए ने पब्लिक एक्सचेकर नूं वो सारे लॉसिज इस तरह के पोलिटिकल माफिया तो वापस अगरोए जाण। जिहड़ा अरविंदर पलवान का कतल भी होया लखन के पड्डे वो लिकर माफिया नाल कनैक्टिड आ। वो राणे गुरजीत की शराब की मिल की वड्डी ट्रक लोड्स जिहड़े हलका पलात विच विकदे सीगे एक कातल परमजीत सिंह पुलिस वाला ये उहदी शराब बेच रहा से लिखण के पड्डे जिद्दण उन्हें गोली मार के इस एक बेहतरीन कबड्डी के नौजवान खिडारी का कतल किया वा। इसलिए साडी मंग है कि CBI इनकुआरी और क्रिमिनल चार्जस इस तरह के ताकतवर पोलिटिकल माफिया नू नंगा करन वास्ते बेनकाब करन वास्ते बहुत लाजमी है। पंजाब की नौजवान जिहड़ी पीढ़ी है साडी उस नू बचाउण दी खातर।